हम एक्साइट इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मैंने तीन रीजंस इसके लिए सॉर्ट आउट किए हैं। एक तो एक्साइट इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं, बैटरी में एकदम लीडर कंपनी है। ओके, इसका 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, इसका R&D टीम बहुत ही स्ट्रांग है और जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग, वो रिकरिंग डिमांड में है। ओके, इनका ऑटोमोटिव बैटरी है, आगे आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही अच्छा बूम आने वाला है। तो ऑटोमोबाइल में, अगर ऑटोमोबाइल की सेल कम भी होती है तो रिप्लेसमेंट डिमांड इनकी काफ़ी रहती है। बैटरी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जो है आपको हर 3-4 साल में गाड़ियों में बदलनी ही होती है, और इनका इंडस्ट्रियल बैटरी और ऑटोमेटिक बैटरी की अच्छी जो है इनकी सेल्स है। तो अभी देखेंगे इसका जो वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, तो पिछले ये 10-15 सालों का चार्ट लगा रखा है मैंने, वीकली चार्ट है। तो इसका देखेंगे प्राइस एनालिसिस, जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है वैल्यूएशन के लिए दोस्तों। तो जो करंट पी रेशियो चल रहा है इसका, देखिए 15 का जो इसका लो गया था मार्च में, वो 15 तक गया था। ओके, और इसका जो करंट पी रेशियो चल रहा है दोस्तों, वो है अराउंड 17 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर ये जो भी प्राइस चल रहा है, 17 के आसपास इसका पी रेशियो है। और हिस्टोरिकली थोड़ा सा आप अगर एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे दोस्तों, जो हाई पे इसका जो टॉप मैक्सिमम रेंज गई है पी की, वो 32 से 35 तक जाती है। ओके, जो अच्छे टाइम में, और जो इसका जो नीचे लेवल पे 18 से लेके 22 तक इसका जो अराउंड ऐसे ही जाता है। और कोरोना का जब फॉल आया था, कोरोना का अभी, तो 15 का लो लगाया था पी रेशियो ने। तो मोटा हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज है 15 से लेके 30, जो इसकी अच्छी रेंज है एक पी रेशियो की, अच्छा वैल्यूएशन है मार्केट इसको देता है। क्योंकि ये एवरग्रीन बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। इसमें ये बिल्कुल फिट होता है जो वॉरेन बफेट जी का कंसेप्ट है, बाय व्हाट यू सी। ओके, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन अराउंड अस, वी इनकाउंटर दिस बिजनेस। ओके, और हम सब बहुत ईजिली समझ भी सकते हैं इस बिज़नेस को। तो इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड यू शुड प्राउड दैट ये जो अभी नीचे के लेवल पे मिल रहा है और ज़्यादा बहुत टाइम से जो है यहाँ पर स्टे कर रहा है इस प्राइस पे। क्योंकि जब ये आप जानते हैं, जैसे अभी देखिए फार्मा सेक्टर कितने तेज़ी से रन हुआ है, किसी को मौका नहीं दिया। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से बेस बनाए, यहाँ पर डबल बॉटम बनाए, फिर ऊपर जाए, या हो सकता है ऐसी स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही चला जाए ऊपर। जैसे देखिए पास्ट में यहाँ पर गया था, ओके, यहाँ पर किसी को मौका नहीं दिया था, दोबारा स्ट्रेट लाइन में ऊपर चला गया था। तो ये अच्छा टाइम है, अभी आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर लीजिए आप अपनी कैपिटल के हिसाब से, 5%, 7%, जितना भी आप रखना चाहें। और थोड़ा सा प्राउड फील करिए अच्छे बिजनेसेस को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में मत पड़ा करिए, ठीक है? तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया था जो मैं बताना चाहता था आप लोग को। और इस वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।